वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास नाबीना गूंगे बहरे और दीगर माजूरी में मुबतला मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया गया है। माजूर सरकारी मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की मंजूरी दी गई। माजूर मुलाजमीन की पोस्टों को अपडेट करने की भी मंजूरी दी गई। 664 माजूर डेली वेजेस मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तोसी की भी मंजूरी दी गई है। तो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास हुआ। रेस्क्यू 1122 के अमले को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर रिस्क अलाउंस देने की भी मंजूरी दी गई है। इसमें और क्या क्या फैसले हुए जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा। बिल्कुल, जिला पंजाब से कुवेला की जेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में गूंगे बहरे और दीगर माजूरी में मुबतला मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस मैनेजमेंट बढ़ाने का फैसला किया गया है और माजूर सरकारी मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। माजूर मुलाजमीन की पोस्टों, म्यूजिक टीचर्स और रेल टीचर्स की पोस्टों को भी अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। 664 माजूर डेली वेजेस मुलाजमीन जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तोसी की इजाजत दे दी गई है। इसी तरह इसके जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनके मसले को मुश्किल हल करने के लिए सबाई वजीरे खजाना मौसम लगारी की सबाई में कमेटी भी कायम कर दी गई है। इजलास में रेस्क्यू 1122 के अमले। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।